वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंट्राडे के लिए हम हिंडल्को के स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं। आज डेट है 26 अगस्त 2020। आज हिंडल्को का स्टॉक ओपन हुआ था 192 को और इसने लो बनाया 191.25 का और हाई बनाया 195.0। ये स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस 193.50 है। 1.15% का रिटर्न जनरेट करके स्टॉक आज ट्रेड करता था। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है हिंडल्को का। चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले हम डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और डेली ट्रेंड अप है और ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से स्विंग लेते हुए एक हाई से हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसने 3 क्रोज यानी यहाँ पर 3 रेड कैंडल फॉर्मेशन किया था और उसके बाद आज की डेट में यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न उभर कर सामने आया हुआ है। तो कल के डेट में ये जो स्टॉक है ये हम अगर बाय करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेड हो सकता है। उसके लिए हमें डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट के साथ में इस स्टॉक के साथ ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि ये हिंडल्को का जो स्टॉक है वो गिरते हुए आ रहा था, वहाँ पर हम एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये डाउन ट्रेंड को दर्शा रही है। यहाँ पर देखिए इस प्राइस से 203 से ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर एक स्विंग हल्का सा किया और ये जो ट्रेंड लाइन था उसका रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक फिर नीचे गया और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये 30 मिनट्स का चार्ट है और 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर एक फ्रेश डिमांड जोन इस स्टॉक ने बनाया हुआ है जिसका विड्थ है 192 से 190 से लेके तो 192 तक का इसका विड्थ है। लेकिन जैसे कि हमें ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक ने यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने इस डाउन ट्रेंड को तोड़ते हुए 30 मिनट्स के चार्ट पे ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग दी और एक रिट्रेसमेंट लेते हुए ये फिर नीचे की ओर आया। तो ये जो हमें यहाँ पर 192.45 का ये जो एक रेंज दिख रहा है, तो इस रेंज में अगर हम बाय करते हैं 293.50 से लेके तो 191 से लेके तो 193, कल की डेट में ये स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड है। हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है या फिर या डिमांड जोन जो बनाया है, अगर ये प्राइस इस डिमांड जोन में अगर आता है तो हम 189.80 का ही स्टॉप लॉस लगाना है, 189.80। और उस स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर कहीं पर भी अगर एक बाय पोजीशन लेते हैं तो एक अच्छा खासा यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और जैसे कि यहाँ अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 197.50 का। रेड लाइन से हम यहां पर एक येलो लाइन से हम यहां पर अब आपके सामने 30 मिनट्स का चार्ट है और जैसे कि ये जो डिमांड जोन हमने बनाया हुआ है, अगर ये स्टॉक इस डिमांड जोन में नहीं भी आता है फिर भी आप 189.80 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस प्राइस के आसपास हमको इसे अगर बाय करते हैं 192 से लेके तो 193 तक, और अगर वो नीचे आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम यहाँ पे भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 195.80 का और सेकेंड टारगेट रहेगा 197 का।
तो ये दो टारगेट इंट्राडे पे मिनिमम यहाँ पर कवर हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक बुलिशनेस के साथ अगर आगे बढ़ता है तो थर्ड टारगेट रहेगा 202 का। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।